जो लोग कह रहे हैं भूमियार, तो भूमियार बताएं कौन से हार, कौन सा भू, कहाँ से आयो। चमार एक मार्शल, चमार एक मार्शल कौम है, लड़ाका जाति है, उसमें भक्त भी हुए हैं, उसमें शहीद भी हुए हैं, उसमें लड़ाका भी हुए हैं, उसमें ज्ञानी भी हुए, उसमें तार्किक भी हुए हैं, उसमें हर क्षेत्र में चमारों ने, चमारों का अपना दबदबा रहा है। अब जाति के आधार पर उनको चढ़ा करके या उनको डिमोलाइज करके क्या कहना चाहते हैं ये सब लोग, और जो लोग कह रहे हैं ना चमार के अंदर तो कुछ आपत थोड़ी आगे भैया। जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल ठीक कही है कि चमार थोड़ी है, भूमि आ रहे हैं। चमार होना आसान नहीं है। गर्व के साथ कहो कि हम चमार हैं, गर्व के साथ। चमार होने का मतलब है आप पढ़े लिखे होंगे, आप तार्किक होंगे, आप बौद्धिक होंगे, आप अम्बेडकरवादी होंगे, कबीरवादी होंगे, फूलेवादी होंगे, नानकवादी होंगे, रैदासवादी होंगे। आप उस जो 2500 साल की बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले की, साहू की, अम्बेडकर की, काशीराम की जो विचार की है, आप उस विचार की के साथ खड़े हैं। और जैसा कि इससे पहले भी राम भद्राचार्य ने कहा था कि जो राम को नहीं मानते वो सब चमार हैं, मैंने तब भी उस समय बात कही थी कि गर्व से कहो हम चमार हैं, क्योंकि जो भी इस व्यवस्था को नहीं मानता है वो सब लोग चमार हैं। और अगर आज शुक्ला जी ने बात कही है कि हम क्या कहा उन्होंने, हम भूमिहार, भूमिहार हैं, हाँ हम भूमिहार, हम चमार थोड़े ना, तो भूमिहार होना चलो अच्छी बात है। भूमिहार हैं कहाँ, मुट्ठी भर इलाके में थोड़े से भूमिहार हैं। अब उस पर आप गर्व कर लो, चाहे शर्म कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अब चमार कह करके ये कर, तो जो पहली बात तो उस पर अपमानित होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि चमार होना अपने आप में एक ऐतिहासिक, और मैंने तथ्य आपको दिए, चमार होना गर्व की बात है। और चमार वो हैं जिनके पास में विचार है, चमारों के पास में अपनी एक पहचान है, चमारों के पास में अपनी एक संस्कृति है, चमारों के पास में अपना एक इतिहास है। चमारों ने, चमार मुख्यमंत्री हुए हैं, चमार इस देश के उपराष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, चमार इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, चमार कैबिनेट में हैं, चमार सचिव हैं, चमार जज हैं, चीफ जस्टिस रहे। तो चमार एक ब्रांड है यार, भूमिहार कैसे ब्रांड हो जाएगा जो आपको अपने कह रहेगा चमार थोड़ी, तो चमार वो नहीं हो सकते। वो ठीक करें, मैं उनकी बात का समर्थन करूँ, आप चमार नहीं हो सकते। चमार होने के लिए ये सारी क्वालिटी, ये सारी वैरायटी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन सर मुन्ना शुक्ला है जो, वो तो जेल में भी बार बालाएं नचाते हैं, बहुत मजबूत हैं, बाहुबली हैं, बड़े नेता हैं। जब जब आप अच्छा, अगर 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 बड़ा नेता होने की ये पहचान है, या बड़ा नेता होने की यही एक क्राइटेरिया है कि उसको क्या नाम है, जेल में जो लड़कियां नचाए, जो अय्याशी करे, जो दारू पिए, जो सारे ऐस मौज करे, जेल में भी करे और बाहर भी करे, और फिर उसके लिए कहा जाए कि साहब वो तो बहुत बड़ा नेता है, वो तो नेता ये नहीं होते, ये गुंडे हैं, ये आतंकवादी हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नेता होते अम्बेडकर जैसे, नेता होते गांधी जैसे, नेता होते जवाहर जैसे, नेता होते काशीराम जैसे, जिनका नीट एंड क्लीन करेक्टर होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास क्या था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास चरित्र था, काशीराम साहब के पास क्या था, चरित्र था। ये चरित्रवान लोग जो हैं ये नेता होते हैं, ये नेता नहीं, ये बेचारे कभी कहीं टिकट ब्लैक करता था, कोई ठेकेदारी करता था, कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, जमीन बेचते थे, जमीन बेचते बेचते 50 पैसे कमा लिए, राजनीति में आ गए, एक दो मर्डर कर दिए, दबंगई हो गई, टिकट दे दिया किसी पार्टी ने पैसे की लालच में, जीत करके आ गए तो साहब बाहुबली नेता। तो ये बाहुबल और धनबल जो है ये लोकतंत्र में खतरनाक है, इसकी ये खत्म होना चाहिए, बाहुबल और धनबल। फिर कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी उनकी उनके बात का विरोध कर रहे हैं, विरोध मत करिए, उन्होंने कहा है कि हम चमार नहीं हैं, भूमिहार हैं। आप भूमिहार हो, भूमिहार ही रहोगे। चमार होना, चमार एक ब्रांड है। जब इस देश के अंदर 2 तारीख को भारत बंद हुआ, 2 अप्रैल 2018 को, और आधे से ज्यादा लोग ग्रेट चमार की टोपी पहन करके निकले, तो सरकार आगे गई थी और चमार पीछे पीछे तलट लेकर के, तो चमार होना करती। 1.5 महीने पहले राम भद्राचार्य ने कहा था कि जो राम को 9 बजे वो चमार, फिर इसने कह दिया कि हम भूमिहार है, कोई चमार थोड़ी ना है। चमार शब्द को लेकर जो ये टारगेट किया जा रहा है, क्या है इसका मतलब, मानसिकता, लॉजिक क्या मानते हैं आप? ये पहले क्या होता था कि चमार कह के कहीं ना कहीं लोगों को अपमानित महसूस होता था, अरे चमार कह दिया, अपमानित हो गए। जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर चमार नहीं लिखते, उन्होंने जाटव शब्द ले लिया, तो जाटव शब्द के वहाँ जाटव ही है चमार का मतलब, दूसरा 20-25 जिलों में। लेकिन पूर्वांचल में जाओगे तो सब जगह चमार है, ज़्यादातर पूरे देश में चमार ही लिखा जाता है, या महाराष्ट्र के अंदर जाओगे तो वहाँ चमार और महार दो वैरायटी है चमारों की। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि चमार जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, चमार एक पहचान है, चमार एक वृक्ष है, चमार एक बड़ी बड़ी एक बहुत बड़ा समाज है, और देश में लगभग 15% चमारों की टोटल आबादी में 15% के आसपास चमार है। तो ये कह देना कि पहले क्या था कि चार चमड़े के काम से जुड़े हैं, चमड़े गंदे हैं, ये हैं वो हैं, तो चमार कहने से आदमी बचता था। लेकिन आज क्या है कि आज लोगों ने सोचा, हमारे जैसे लोगों ने, विचारकों ने बात की, नहीं चमार होना, तो चमार तो ब्रांड है यार, चमार। मैं खुद अपने आप के साथ एक घटना बता रहे हैं कि हम लोग लास्ट 2017 की बात है ये, और हम लोग 30 जारी कोर्ट में थे, और जहाँ वकील खाना खाते हैं वहाँ पर हम लोग, जिधर रसोई है
हम भी एक थाली लेकर के हम दो तीन साथी थे, सारी गोल टेबल घेर रखी थी वकीलों ने, कहीं खाना रखने की प्लेट रखने की जगह नहीं थी, एक जगह प्लेट थी थोड़ी सी, जगह थी मैंने जाकर के अपनी वहाँ प्लेट टेक दी। हमारे और साथी मिलेंद्र गौतम मनोज अंतानी थे, बोले यार जगह नहीं आ रहे, मैं कहा आ जाओ चमारो एक ही जगह खा लो, काहे को टेंशन ले रहे हो, उन जवानों को घूर के जब हाथ पे रख के खाते थे। भाई साहब जितने आसपास थे मेरे सारे टेबल छोड़ करके भाग के सारी टेबल पर हमारा कब्जा हुआ। तो ये चमार होने के फायदे हैं, अगर नहीं तो हाथ पे रख के खाना पड़ता, वो प्लेट हाथ पर रख के खाना पड़ता, जैसे सामने वाले को पता चला। तो चमार वो चीज़ है कि अगर वो रोड पर चलो तो दूर तक रास्ता साफ हो जाता है, VIP ब्रांड है, रोड पर चलता और पता चलता है चमार साहब आ रहे हैं, तो देखो ना दूर तक बिल्कुल रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल जाती है। तो इसमें कोई अपमानित होने वाली बात नहीं, चमार हो गर्व से कहो, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बाबा साहब के वंशज हैं यार, हम रैदास के वंशज हैं, कवि नानक रैदास फूले साहू जी महाराज, ये सब तो विचारधारा 2500 साल की हमारी, ये हमारी विचार की। और जो लोग कह रहे हैं भूमिहार, तो भूमिहार बताएं कौन से हार कौन सा भू कहाँ से आयो है तुम्हारा, तो ये सारी चीजें। रविदास जी ने बताया था कि जैसे चमड़ा में से बांस रह से रख, उन्होंने चमार शब्द की पूरी उत्पत्ति बताई थी और बताया था कि चमार क्या है, लेकिन चमार रेजिमेंट भी रही है, चमार ऊंचे होदे पर रहे हैं लोग, बात फिर भी इतना लोग देखिए, चमार एक मार्शल कौम है, लड़ाका जाती है, उसमें भक्त भी हुए हैं, उसमें शहीद भी हुए हैं, उसमें लड़ाका भी हुए हैं, उसमें ज्ञानी भी हुए, उसमें तार्किक भी हुए हैं, उसमें हर क्षेत्र में चमारों का अपना दबदबा रहा है। अब जाति के आधार पर उनको चढ़ा करके या उनको डिमोलाइज करके क्या कहना चाहते हैं ये सब लोग, और जो लोग कह रहे हैं ना चमार के अंदर तो कोई चापा थोड़ी आ गई भैया, और कहते हैं कह दिए बात खत्म हो गई, और उसने कहा है कि चमार थोड़ी भूमि आ रही है, हाँ तो तू भूमि आ रही है भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं तू चमार 100 जन्म में बन भी नहीं सकता। चमार होने के लिए इतनी सारी क्वालिटी, इतनी सारी वैरायटी जो बताई ना वो होनी चाहिए, वो नहीं है तुम्हारे अंदर भाई। और चमार होना इतना आसान नहीं है, चमार होने के लिए जैसे रेजिमेंट को रेजिमेंट भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे एक कुल्हड़ होता है ना, एक मिट्टी होती है, मिट्टी को काटा जाता है, गूथा जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर उसको उसमें से बर्तन बनाया जाता है, फिर उसको क्या नाम है आग में तपाया जाता है, तब तपने के बाद में कुल्हड़ तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से चमार है, वो कहाँ से निकल करके आया और कहाँ तक गया, आज चमार जाति का डंका विदेश में बज रहा है, अमेरिका जाइए कनाडा जाइए, वो चमार जाति के नंबर प्लेट मिलती है, चमार गाड़ी पर लिखा होता है, नंबर नहीं होता चमार होता, वही ब्रांड है, जय भीम नंबर नाम की गाड़ी आपको मिल जाएगी, वही ब्रांड है। बताओ मुझे भूमि आरोप कहीं, तो बताओ मुझे दूसरी जाति का, तो चमार देश तो छोड़ो यार, विदेशों में जाकर के देख लो, अभी अनपढ़ और कुपढ़ लोग गधे घोड़े घूम रहे हैं, 10वीं 12वीं करके अपने आप को बाहुबली कहते हैं, पता नहीं क्या क्या, हम सम्मान करते हैं प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जाति का, लेकिन किसी दूसरे आदमी को ये कह करके आपको अपमान करने का भी अधिकार नहीं। क्या शुक्ला ने चमार का इतिहास नहीं पढ़ा, क्या लगता है सर? अब शुक्ला है तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ तो शुक्ला उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होते हैं, लेकिन आपने कहा वो भूमिहार है, तो भूमिहार शुक्ला कैसे, पहले तो वो इसी बात का सवाल खड़ा होता है, अगर शुक्ला है तो शुक्ला पढ़े लिखे होंगे तो पता होगा। देखिए जिस आदमी को नहीं पता है कि चमार क्या है वो आदमी नहीं टकरा था, लेकिन जिसको पता है कि सामने वाला चमार है, ये तार्किक है, बुद्धिमान है, तो उसको सबसे पहले यही कह करके क्या तू चमार है, उसको कहीं ना कहीं कम आंकने का काम करता है। तो ये जो बात है, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो कहते हैं हम तो टोपी लगा कर चले, देखे ना भीम आर्मी में जब मैं संचालन करता था, मेरे नेतृत्व में 2-2 लाख आदमी इकट्ठे होते थे, मैं तो तब मंच पे संचालन करता था ग्रेट चमार की टोपी लगा करके। तो ये गर्व का विषय है, शर्म का विषय है ही नहीं यार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जातियां खत्म करो, जातिविहीन समाज बनाओ, काशीराम साहब ने जाति नहीं जमात बनाओ, लेकिन वो हुआ नहीं ना आज तक। जब नहीं हुआ, जब इस देश का 1.5-2.5% ब्राह्मण अपने आप पर गर्व कर सकता है जनेऊ कान पर चढ़ा करके, तो 15% चमार क्यों नहीं गर्व कर सकता। मुन्ना शुक्ला ने दोपहर में बयान दिया, शाम को माफी मांग ली उन्होंने, अच्छी बात है। तो यही तो चमारों की ताकत है ना, ये जो आपने कहा सुबह को बयान दिया और दोपहर को माफी मांग ली, चमार माफ करेंगे उसको शुक्ला को? ये माफ करने वाला और कुछ लेने वाला विषय ही नहीं है इसमें, कौन सा उसने कुछ हमारी भैंस खोल ली चमारों की, तो ये तो विषय ऐसा नहीं है उसको माफ किया जाए। उसने कोई सब बात कही, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, शुक्ला जी चुनाव लड़े हार है जी तो वहाँ की जनता तय करेगी, ठीक है, और चमार हो नहीं तो हमने तो हम तो भी कह रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के वकील ने एफआईआर कराई है थाने में, FIR कराई है तो अच्छी बात है, कानूनी प्रक्रिया जो होगी, और मेरे हिसाब से इसमें कानूनी प्रक्रिया में कुछ बसता तो है नहीं, बनता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कानून नहीं SC ST में किसी जाति को जिस चमार कहकर के SC ST एक्ट थोड़ी लग जाएगा, आपके साथ बदतमीज थोड़ी करेंगे, तरीका तो गलत है ना, नहीं आपने किस वे में बात की है। हालांकि बहुत सारे कानून के जानकार इस बारे में बताएंगे, लेकिन मेरा अंततः यही कहना है कि चमार अपने आप में ब्रांड है, चमार कोई आदमी नहीं हो सकता, जिस प्रकार ISP से एक कलेक्टर होने के लिए मैं बता रहा हूँ कि चमार होने का मतलब ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक आदमी 10वीं करता है, 12वीं करता है, BA करता है, फिर UPSC करता है, फिर वो जब जाकर के कहीं DM और क्या नाम है सचिव लगता है, ठीक उसी प्रकार से चमार बनने के चमार एक ब्रांड है, ठीक है, और उसमें कोई भी संशोधन या कुछ उसको दूसरा आदमी नहीं मिल सकता।